आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, यह है पॉडकास्ट। मैं नितिन ठाकुर हूं और बंगाल चुनाव की आहट हम सभी को सुनाई दे रही है। लगातार सियासतदानों के दौरे हो रहे हैं और बयान भी आ रहे हैं। इस बीच एक नाम देश भर में छाया हुआ है, पहले देश नहीं जानता था लेकिन बंगाल जरूर जानता था। वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का। सांसद रहे हैं टीएमसी के और विधायक भी रहे हैं टीएमसी के। इसके इतर वो टीएमसी की सरकार में अहम ओहदे भी हासिल करते रहे हैं, उन्हें निभाते रहे हैं। आजकल चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जितने भी मंत्री पद, सरकारी पद जो कुछ उनके पास थे सब छोड़ दिए हैं, थोड़े से नाराज हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अब टीएमसी के लिए सरदर्द ये इसलिए है खबर, क्योंकि जब टीएमसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के सामने संघर्ष कर रही थी तब शुभेंदु अधिकारी बड़ा फैक्टर थे उसकी जीत में। और अब जब आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में टीएमसी सरकार के लिए चुनौती है तो भी शुभेंदु एक अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। मेरे साथ प्रभाष कुमार दत्ता है। प्रभाष ने इस पर एक लेख लिखा है इंडिया टुडे वेबसाइट पर और ये बताया है कि व्हाई लूजिंग शुभेंदु अधिकारी मे बी मोस्ट सीरियस जोल्ट टू ममता बनर्जी। तो इस लेख में वो कुछ अहम बातें बता रहे हैं। मेरे साथ खुद प्रभाष जी हैं, उनसे ही जानेंगे क्यों शुभेंदु अधिकारी इतने अहम फैक्टर हैं, इतने अहम नेता हैं पश्चिम बंगाल में। ये बताइए सबसे पहले प्रभाष जी। हाँ नितिन, जैसा आपने बताया कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के राइज और बंगाल में सत्ता पर काबिज होने में बहुत अहम भूमिका उनकी रही थी। वो नंदीग्राम एक जगह है जहां से नंदीग्राम रिवोल्यूशन जिसे बंगाल के पॉलिटिक्स में कहते हैं, उसकी नींव में ममता बनर्जी के साथ जो सबसे अहम किरदार में थे वो शुभेंदु अधिकारी थे। नंदीग्राम पूर्व मिदनापुर जिला है बंगाल का, वहां से हैं। वहीं नंदीग्राम जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे अभी एमएलए भी हैं और इनके पूरे परिवार का दबदबा इस जिले में आसपास के कई जिलों पर है। और इस लिहाज से जब नंदीग्राम रिवोल्यूशन की नींव रखी जा रही थी तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को ताकत दी थी जिससे पूरे बंगाल पे उन्होंने अपने सत्ता कायम की। तो ये शुभेंदु अधिकारी के रसूख का, उनके पॉलिटिकल मसल का सबूत है। बीते कुछ महीनों से, 3 महीनों से खासकर, शुभेंदु अधिकारी नाराज हैं और नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। नाराज तो ये पिछले साल से हैं जब लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रशांत किशोर, जो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको अपनी पार्टी का जिम्मा दिया था कि आप हमारी पार्टी को 2021 के चुनाव में जीत हो इस सुनिश्चित कीजिए, इसके लिए रणनीति बनाइए। तो प्रशांत किशोर के टीम ने कई सारे परिवर्तन किए हैं टीएमसी के ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और कई जगहों से शिकायत है कि वहां के जो उस जिले के या कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो बड़े नेता रहे हैं उनकी सहमति के बगैर प्रशांत किशोर की टीम ने वो संगठन फेरबदल कर दिया है, संगठनात्मक फेरबदल किया है, जिससे कई नाराज हैं, उनमें से शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम। इनके जिले में भी बहुत सारे चेंजेज हुए जो इनके पसंद के नहीं थे। दूसरी बात कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जो राइज टीएमसी के भीतर हुआ है उससे शुभेंदु अधिकारी जैसे पुराने नेता जो अपने आप को ममता बनर्जी के बाद दूसरी कतार में देख रहे थे खुद को या पार्टी में अपनी अहम भूमिका देख रहे थे, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को झटका लगा है। ये भी शुभेंदु अधिकारी को उस पार्टी के भीतर हास्य के तरफ खेलने वाला है और इस वजह से भी वो नाराज है। और अभी जब मैं जैसे जैसे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर का पार्टी के ऊपर कब्जा बढ़ा है वैसे वैसे शुभेंदु अधिकारी दूर होते गए हैं। पिछले 3 महीनों में उन्होंने कई रैलियां की है, किसी में भी टीएमसी का बैनर नहीं रहा है, ज्यादातर में ममता बनर्जी का पोस्टर नहीं रहा। पिछले 1.5 महीने में तो ममता बनर्जी के
पोस्टर के साथ उन्होंने कोई रैली नहीं की है। वो जो नंदीग्राम, जी 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 मैं हाँ सर वही मैं वही आ रहा था नंदीग्राम पर। एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी जो है मेदिनीपुर जिले में प्रभावशाली है, और आप जो ये बता रहे हैं वो भी मैंने सुना। दरअसल इतिहास क्या है मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि शायद उनका जो इतिहास रहा है टीएमसी के साथ और जो टीएमसी का राइज रहा बंगाल में, उनको जब साथ में लिया तो उससे शायद हमारे सुनने वालों को आइडिया लगे कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो कितने ताकतवर हैं और क्यों उनकी इतनी इम्पोर्टेंस बंगाल में है। तो वो इतिहास क्या है? देखिए, ये पूर्व मेदिनीपुर जो जिला है इस यहाँ से आते हैं, लेकिन इनका जो असर का क्षेत्र है वो मुर्शिदाबाद है, वो पुरुलिया है, बांकुरा है, बीरभूम है, झारग्राम है, मालदा है, ये इन सारे जिलों में, यानी जो दक्षिणी बंगाल का इलाका है उसके कई जिलों में इनका दबदबा है। और अकेले दम पर, ये अकेले का मतलब कि ये परिवार, इनका जो कुनबा है, इनके पिता सांसद हैं, इनके दो भाइयों में से एक भाई सांसद है और एक भाई वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कांठी के वहां के चेयरपर्सन है। और जब वो बने थे चेयरपर्सन सौमेंदु अधिकारी, तो उस वक्त इनके परिवार की तरफ से ही ये बयान दिया गया था कि भारत के सबसे कम उम्र के किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन बनने वाले नेता हैं वो। तो ये पूरा परिवार इसलिए भी जाना जाता है कि ये इकट्ठा फैसला लेते हैं, यानी अगर कोई एक किसी पॉलिटिकल लीग को पकड़ता है तो बाकी जो परिवार के तीन चार नेता हैं पब्लिक फिगर्स ने, वो भी उसी लीग पे जाते हैं। शुभेंदु जाएंगे, अगर वो पार्टी छोड़ेंगे शुभेंदु तो ये भी छोड़ेंगे, रहेंगे तो वो भी रहेंगे। अगर शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ते हैं तो आप मानिए उनके पिता शिशिर अधिकारी पार्टी छोड़ेंगे, उनके दूसरे सांसद भाई दिव्येंदु अधिकारी पार्टी छोड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी अगर टीएमसी छोड़ते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि उनके पिता शिशिर अधिकारी पार्टी छोड़ेंगे, उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी पार्टी छोड़ेंगे और उनके सबसे छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी भी पार्टी छोड़ेंगे। और ये पूरा परिवार जो ये चार नेताओं का है, ये अब करीब 40 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर इनका प्रभुत्व है, जिनका दबदबा है, जिनका इनका इन्फ्लुएंस है। और मेरा ख्याल है कि वो परिवार ही पार्टी नहीं छोड़ेगा, बल्कि आप जितने जिलों के नाम गिना रहे हैं, इसमें जो विधायक हैं, इसमें जो सांसद हैं, इसमें जो बड़े अहम नेता टीएमसी संगठन के हैं, वो भी पार्टी वो ना भी छोड़े, उसकी उस स्थिति में भी इनका प्रभाव जनता पर ऐसा है कि वो 40 विधानसभा सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब टीएमसी अपना पैर जमा रही थी बंगाल में लेफ्ट रूल के खिलाफ, तो ये जो जिले हैं चार पांच, मुर्शिदाबाद, झारग्राम, पुरुलिया, मालदा, बीरभूम, ये इन चार पांच छह जिलों में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की जड़ें मजबूत करने में, ग्रास रूट्स पर वर्कर्स की नियुक्ति में, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे इन वर्कर्स को लाने में इन्होंने भूमिका निभाई थी और पार्टी को एक्सपैंड किया था। उस एक्सपेंशन की वजह से पार्टी को वो आंदोलन की ताकत मिली जिसे नंदीग्राम के इतिहास को तो खैर हमने टीवी पर भी देखा, और वहां जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसके बाद ममता बनर्जी ने जो है कम्युनिस्टों का गढ़ तोड़ के रख दिया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो जो 13 सीटें जहां शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, उनमें से 9 पर टीएमसी की हार हुई थी। तो ये कहीं ये नहीं बताता कि शुभेंदु का भी जो दबदबा है वो कम हो रहा है, या फिर लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तभी शुभेंदु ने सहयोग करना छोड़ दिया था टीएमसी का? देखिए, तब छोड़ा नहीं था, लेकिन वो अभिषेक बनर्जी के राइज से नाराज चल रहे थे, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि हमने कई राज्यों में देखा है कि लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन रहा है वो विधानसभा चुनाव में अलग होता है। इसका एग्जाम्पल बंगाल का पड़ोसी राज्य उड़ीसा था, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही थी और ज्यादा वोट्स भी मिल रहे थे, और वहां उसी समय विधानसभा चुनाव में जो वहां की पार्टी है बीजू जनता दल नवीन पटनायक की, उनको पूरा बहुमत मिला। यानी एक ही वोटर एक चुनाव के लिए बीजेपी को वोट कर रहा है और वो दूसरे चुनाव के लिए उसी दिन दूसरी पार्टी को वोट कर रहा है। तो ये एक फर्क है
जो बंगाल में भी मतदाता जो है पॉलिटिकली अवेयर है, ओडिशा के जैसा या बिहार के जैसा जो जो पॉलिटिकली अवेयर राज्य समझे जाते हैं वैसा ही है। तो जो लोकसभा चुनाव का इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है विधानसभा चुनाव के मुकाबले, लेकिन जब नाराज हो वहां के सबसे बड़े नेता तो वहां की सबसे बड़ी पार्टी को इस बात की फिक्र होगी, और ये सबसे तगड़ा झटका है क्योंकि एक झटके में तकरीबन 40 सीटें ऐसी हो रही हैं जो अभी कोविड के संकट से गुजरना हो, या अभी कुछ महीने पहले जब वहां चक्रवात तूफान आया था तब की भी जो स्थिति थी। तो और बंगाल में दो टर्म का एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है ममता बनर्जी। इन तीनों चारों फैक्टर्स को आप मिलाएं और बीजेपी का राइज, उसमें जो बीजेपी ने जो पैठ बनाई है ग्रास रूट्स लेवल पे बंगाल में, और जो वायलेंस वायलेंस होता है तो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है लगातार, लेकिन वो बीजेपी को हेल्प भी कर रहा है अपना रीच बढ़ाने में। तो ये इस फैक्टर्स के बैकग्राउंड में देखें शुभेंदु अधिकारी का रिबेलियन, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, आप तो वहां की सियासत पर नजर रखे हुए हैं, और 3 महीने से शुभेंदु अधिकारी अपनी कोई भी जनसभा करते हैं, टीएमसी का वो झंडा लगा नहीं रहे, ममता बनर्जी के फोटो का इस्तेमाल कर नहीं रहे। ममता बनर्जी तक तो ये खबर पहुंच ही रही होंगी, जाहिर है कि भाई इस तरह से जो है असंतुष्ट हो गए शुभेंदु। तो क्या वजह है कि ममता उन्हें मना नहीं पा रही? अपने जो नुकसान जो हम देख पा रहे हैं, एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, या कोई और भी लगा पा रहा है, ममता भी लगा पा रही होंगी, कारण कुछ समझ में आ रहे हैं कि वो मना क्यों नहीं पा रही या मनाना क्यों नहीं नहीं चाहती? नहीं वो अंदाजा वो लगा रही हैं, बहुत अच्छे से लगा रही हैं, लेकिन और वो भेज भी रही हैं अपनी मैसेज को। कई नेता टीएमसी की तरफ से आए हैं इनसे मिलने, खुद प्रशांत किशोर ड्राइव करके गए इनसे मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने जो इनकी शर्तें हैं वो ऐसी हैं कि प्रशांत किशोर की भूमिका कम हो, और अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनकी भूमिका कम की जाए और शुभेंदु अधिकारी की भूमिका पार्टी में बढ़ाई जाए। इस ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को तैयार कर रही हैं जो आगे चल के पार्टी की कमान संभाले। अब शुभेंदु अधिकारी अगर और ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भी उनकी भूमिका कम की जाए, 49 साल के हैं। जी, नहीं, मैं कह रहा था बस कि वो भी बेचारे केवल 49 साल के हैं, 85 साल के हैं, युवा नेता हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अपनी जगह हैं। बिल्कुल अपनी जगह है। और आप देखिए जो इस तरह की जो रीजनल पार्टीज हैं ज्यादातर राज्यों में वो परिवार पर आधारित पार्टी हैं, ये ममता बनर्जी की पार्टी है। इससे ये लोग नहीं कहते हैं कि ये काडर बेस्ड पार्टी है, कि कोई निचले स्तर का कोई वर्कर है वो आज से 10 साल 20 साल बाद खुद को पार्टी का प्रेसिडेंट बनता हुआ या उस पार्टी की सरकार हो तो मुख्यमंत्री बनता हुआ देख ले, ये संभावना किसी को नजर नहीं आती है। वो आप बंगाल में ले लें या बिहार में ले लें या यूपी में ले लें या महाराष्ट्र की जो पार्टी है उनको ले लें, कहीं भी तमिलनाडु कहीं की भी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो ज्यादातर उनमें से फैमिली बेस्ड पार्टी है, फैमिली एलिजेंस वहां रूल करता है। तो ममता बनर्जी उसी के बिल्कुल। तहत अपने ही परिवार के किसी सदस्य को तैयार कर रही है। शुभेंदु अधिकारी का आर्गुमेंट है कि हमने पार्टी के लिए जीतो जीतोड़ मेहनत की है, तब से की है जब पार्टी का अस्तित्व अभी राज्य में बना नहीं था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनकी बातों की वैल्यू की जाए, इनको वो रुतबा दिया जाए, वो से दिया जाए पार्टी में। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये एक मुश्किल स्थिति है, इसलिए ममता बनर्जी नहीं नहीं मना मना पा पाई। रही। तो अब जो शुभेंदु अधिकारी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, इनमें कितना दम लगता है आपको? देखिए भाजपा में जा सकते हैं, अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, टीएमसी वाले खुद ही उनको हमारी पार्टी में भेज दें। दिलीप घोष कह रहे हैं, उन अध्यक्ष भाजपा बंगाल। जी, दिलीप घोष का ही बयान है ये, जी और ये कई सारे और दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि टीएमसी उनके उनको पार्टी के भीतर रहने के लिए स्थिति ही नहीं बना रही है। और शुभेंदु अधिकारी अब जो रैलियां कर रहे हैं उन रैलियों में जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं,
उनके उनके नाम पे रैलियां कर रहे हैं, उनको लेके पैसन दिखा रहे हैं, ये तो बीजेपी की लाइन को फिट करने वाली है कि बंगाल, हाँ बंगाल में जो फ्रीडम फाइटर्स का जो एक स्ट्रीम रहा है, बहुत एक्टिव रहे थे वहां के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आजादी की लड़ाई में, तो बीजेपी उनको बार बार इन्वोक करती है। अब ये शुभेंदु अधिकारी अभी खुदीराम बोस को लेकर रैली करने वाले हैं 3 दिसंबर को मेरे ख्याल से, उनका वो जहाँ कहते हैं तमलुक का ताम्रलिप्ति जी, तो जिसका ताम्रलिप्ति पुराना नाम, ये बार बार चर्चा में लेकर आ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रभास जी कि खुदीराम बोस ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अब खुदीराम बोस के नाम पर चुनाव लड़े जाए जी, उन्हें कौन नहीं मानता है कि वो क्रांतिकारी थे, या फिर उनके गौरव के लिए कौन ना मर जाए, या उनके गौरव कौन नहीं करना चाहेगा। मतलब वो तो बंगाल है, हम जो लोग इधर बैठे हैं वो भी खुदीराम बोस को जानते हैं, तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि वो क्रांतिकारी जो सबके हैं उनके नाम पर ये राजनीति की जाए। ये बीजेपी की जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स वाली जो लाइन है ये उसी लाइन पर है, और ये इन्होंने बहुत ही सटल शिफ्ट किया है। और मिदनापुर के जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के एमपी हैं वो दिलीप घोष हैं, बिल्कुल, और वहां की विधानसभाओं पर इनकी पार्टी का दबदबा है, शुभेंदु इनके परिवार का दबदबा है शुभेंदु अधिकारी के, और ये दोनों जो है एक ही तरह की भाषा भी बोल रहे हैं तो पब्लिक रैलीज में। तो आप ये कभी उन्होंने नहीं कहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि अपनी कोई रीजनल आउटफिट लॉन्च कर दे और बीजेपी के साथ अलायंस कर लें, इसकी भी संभावना बन सकती है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो जो लेकर आ रहे हैं तख्ते पोस्टर्स, उनमें यही है वो कह रहे हैं कि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ दादा, तो ये पॉसिबल है कि वो बीजेपी ना जाए, अपनी कोई पार्टी लॉन्च कर लें और उस पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस हो जाए, दोनों एक ही बात होगी, या वो बीजेपी में सीधा सीधा ज्वाइन कर लें और बीजेपी की तरफ से आ जाएं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो कुछ नेगोशिएशंस होंगे कि चुनाव जीतने के बाद की स्थिति में क्या होगा, हारने की स्थिति में क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो अगर टीएमसी छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी कुछ महीनों के लिए मंत्री पद भी छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में अपना भविष्य वो कैलकुलेट करेंगे, और तो बीजेपी नई पार्टी होगी उनके लिए, वहां के लिए भी कुछ नेगोशिएशंस होंगे, वो नेगोशिएशंस तय होने के बाद ही दिशा तय होगी कि किधर की तरफ जा रहे हैं, क्या ममता बनर्जी इस बीच कोई ऑफर दे दे बड़ा सा उन्हें, जिससे जो उनको लगे कि हाँ इस पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि वो अभी अपने जो है पत्ते खोल नहीं रहे हैं बल्कि चुप है। हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी क्या बड़ा ऑफर आ जाए ये भी उन्हें पता नहीं है। Exactly. तो ये दोनों कैलकुलेशन के बाद ही वो बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा संभावना ये लग रही है कि वो ममता बनर्जी से अगला चुनाव जो लड़ेंगे तो ममता बनर्जी से अलग इतर लड़ेंगे, और वो बहुत हद तक बीजेपी के करीब होंगे, ये दो जो पॉसिबिलिटी अभी दिख रही है वो यही है, अनलेस अंटिल ममता बनर्जी कोई बहुत बड़ा दांव चले, हाँ कोई ऐसा दांव चल दे जिसमें शुभेंदु अधिकारी को लगे कि नहीं, ये जो फैमिली पैकेज डील है वो ममता बनर्जी के साथ बेहतर है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाष जी, आपने वक्त दिया। शुक्रिया नितिन, और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से समझ में आया होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो फिलहाल बंगाल की सियासत में एक बड़ा फैक्टर क्यों बने हुए हैं, उनके नाम को लेकर चर्चाएं क्यों गर्म हैं, और दोनों ही जो पार्टियां हैं चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो उनको लेकर खींचतान में क्यों उलझी हुई हैं। आप लोगों को जो भी लगता हो, कोई भी रेस्पॉन्स हो, रिएक्शन हो, तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही अपनी राय रख सकते हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, सुनते रहिए आज तक रेडियो। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर, खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या,
और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है, ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।